भाई हमने ढेर सारे लैपटॉप रिव्यूज कर दिए लेकिन फिर भी कुछ कमी थी, वो भी पूरी कर दी आज। इसी का रिव्यू बाकी था बस चैनल पे। और यह HP Omen 16, करें फिर इसके दर्शन। भाई कितना बड़ा बॉक्स है, सामने बिल्कुल एकदम डायमंड शेप में ओमन चमकता है। तो खोलते ही सामने अपना लैपटॉप है, एक और बॉक्स है जिसके अंदर अपना 280 वॉट्स की एक पावर वाली ईट, एक पावर कोड और ये नॉर्मल वाला प्लग है, पावर प्लग नहीं है जो कि अच्छी बात है। देन अपना लैपटॉप, ओहो भाई सब मस्त चमक रहा है। एक छोटी सी मैनुअल जिसमें सारी जानकारी दी है, ठीक है फालतू कागज नहीं दिए। तो ये रहा फाइनली अपना लैपटॉप, पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आता है और अपर लिड पे अपनी ओमन की ब्रांडिंग कर रखी है बढ़िया सी। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि पूरे लैपटॉप में बाहर या अंदर कहीं पर भी HP का नाम ही नहीं है, बस यहाँ छोटी जगह पे लिखा हुआ है, मतलब पता नहीं चलता HP का ही लैपटॉप है। एंड ये प्लास्टिक की है, प्लास्टिक कहना गलत होगा, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। और नीचे देख सकते हो तुम, यहाँ पर पूरे वेंट्स वगैरह दे रखे हैं, थोड़े बहुत छेद खुले हैं और बाकी सारे बंद हैं, बाकी नीचे से भी पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। पर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि जो ये वाला पार्ट है ना इस लैपटॉप का, जहां पर कीबोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ये वाली जो चेसी है ये मेटल की है, ऊपर नीचे पॉलीकार्बोनेट, बीच में मेटल का सिस्टम है पूरा, जो एकदम चेसी जिससे सारी चीजें कनेक्टेड है। तो डिजाइन वाइज ये बिल्कुल भी गेमिंग लैपटॉप तो नहीं लगता भाई, बहुत ही ज्यादा एकदम प्रोफेशनल सी लुक लगती है इसकी, नो डाउट। मतलब इसे प्रोफेशनल जगह पे ले जा सकते हो बिना गेमिंग लैपटॉप की तरह। लुक्स वगैरह के मामले में मेरे को बहुत सही लगा। बाकी एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे और दो पीछे की साइड पे हमें एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। तो अगर हिंज की बात करें तो हिंज काफी ज्यादा टेबल लगा मेरे को, एक हाथ से अपना लैपटॉप आराम से खुल जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है और ऐसे खोलने बंद करने में हिंज में कोई भी दिक्कत फील नहीं होती। बट हाँ डेफिनेटली इसमें ना वोबलिंग इशू मेरे को लगा, डिस्प्ले थोड़ी थोड़ी हिलती है इसकी अगर ऐसे ऐसे झटके दोगे, पर काम करते वक्त ऐसा नहीं हिलती मेरे को जितना लगा मैंने यूज किया जितना, पर हाँ थोड़ी बहुत वोबल तो करती है। बाकी ये 180 डिग्री तक लेट जाता है पूरा एकदम लमलेट। फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में हल्का फुल्का फ्लेक्स डेफिनेटली मिलता है, जितना एक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड से तुम एक्सपेक्ट करोगे और ओमन में जितना रहता है जनरली। कीबोर्ड फ्लेक्स बहुत ही मतलब मिनिमल माइनर सा, बिल्कुल ना बराबर लगेगा, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट है पूरा मेटल बिल्ड का है, इसलिए नीचे का जो इसका हिस्सा वो बहुत स्टर्डी है भाई। बाकी वेट इसका कुछ 2.4 केजी के आसपास है, ऑलमोस्ट 2.5 किलो का लैपटॉप तो है ये, 16 इंच भी तो है यार। ओवरऑल बिल्ड तो स्टर्डी है नो डाउट, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपर लिड में दिक्कत है वो मैंने बता दिया, पर ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। बाकी इसमें है राइजन 7 7840 HS 8 core 16 थ्रेड्स के साथ, और इसमें पीकोर ईकोर का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि राइजन अपना हाइब्रिड आर्किटेक्चर बेस नहीं है इंटेल की तरह, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इसमें AMD रेडोन वाले हैं, और डेडिकेटेड GPU है अपना RTX 4060 8GB VRAM वाला 144 TGB के साथ। रैम इसके अंदर 16GB की DDR5 5600 MHz की डुअल चैनल रैम, और Amazon पर 5200 MHz लिखा हुआ है बट एक्चुअल में 56 मिलती है हमें। और अब तक की गेमिंग लैपटॉप में जितनी मैंने रिव्यू करे हैं उन सब में सबसे फास्टेस्ट DDR5 रैम लगी हुई है इस लैपटॉप में भाई, मानना पड़ेगा। स्टोरेज की बात करें तो 1TB की Gen 4 SSD इसके अंदर, और रीड एंड राइट स्पीड कुछ ऐसी है। कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 और MS Office होम एंड स्टूडेंट भी है 2021 वाला इंक्लूडेड इसके साथ। और अगर अपग्रेड्स की बात करें तो कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि भाई स्टोरेज या फिर रैम इसमें कितनी अपग्रेड हो जाएगी। बाकी देखो 16GB तो इसमें आती है, तो रैम मेरे हिसाब से 32GB तक तुम आराम से एक्सपेंड कर सकते हो, बाकी स्टोरेज का कहीं पर भी आइडिया नहीं था। अगर इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट हुआ तो फिर तो हो ही जाएगी, बाकी मेरे हिसाब से देखो पर स्लॉट मिनिमम 1TB तो होती है हर लैपटॉप में, गेमिंग लैपटॉप में इतना होता है, पर एक बार कंफर्म कर लेना। तो अगर तुम दिल्ली नोएडा गाजियाबाद से हो ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए है, स्किप मत करना, बाकी लोग भी ना ही करो तो अच्छा है। तो अगर तुम्हें कोई भी लैपटॉप खरीदना है, गेमिंग नॉन गेमिंग प्रोफेशनल कैसा भी, तो तुम जा सकते हो फ्यूचर आईटी जोन, और वहां पर हर तरह का लैपटॉप अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर ब्रांड का, फुल एकदम वैरायटी वाली बातचीत है, और किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बाकी हमारा रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, चेक कर सकते हो, कर लेना भाई। पोर्ट्स में हमें लेफ्ट साइड पर मिलते हैं 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड में हमारे पास एक USB 3.2 Gen 2 Type-A वाला पोर्ट, बाकी इसके पीछे हैं पोर्ट्स, एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट और एक अपना USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट। मतलब पोर्ट्स में कोई कमी नहीं, छेद पूरे हैं भाई। बाकी दोनों ही टाइप सी से डिस्प्ले शेयर सपोर्टेड है, PD चार्जिंग भी सपोर्टेड है, और अच्छे खासे लेवल तक, मतलब जो थंडरबोल्ट में हमें मिलते हैं वैसे ही लेवल के तुम टाइप सी पोर्ट्स मान के चलो इसके। तो अभी हमने पहले वाले टाइप सी पोर्ट से कनेक्ट किया है, और ये अपने इंटीग्रेटेड GPU से डिस्प्ले शेयर हो रही है एंड 4K 60 तक बिल्कुल सपोर्टेड हो रही है, बिल्कुल पूरी वाली भाई। अब दूसरे टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले शेयर करिए, और दूसरे वाले पोर्ट से भी IGBU से ही डिस्प्ले शेयर होती है और 4K 60 सपोर्टेड है। अब अपने HDMI से डिस्प्ले शेयर करिए, और HDMI के थ्रू डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले शेयर हो जाती है, 4K 60 तक आराम से सपोर्टेड है। और अभी मैंने टाइप सी और HDMI दोनों कनेक्ट किया है, तो मतलब दो डिस्प्ले तो एक साथ शेयर कर सकते हैं भाई हम।
और अंदर की साइड जो इसका डिजाइन है ना वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, बिल्कुल एकदम प्लेन मिनिमलिस्टिक सा, बिल्कुल कति जेट ब्लैक। राइट साइड पे कुछ स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं और 16 लिखा हुआ है भाई, बड़ी ही मस्त तरीके से एकदम। सेंटर में अपना टच पैड है और टच पैड बहुत ही बड़ा और अच्छा है, मतलब पूरा हाथ आ जाएगा तुम्हारा इसमें। और जेस्चर वेस्टर सब सपोर्टेड है, फुल टच है एंड फीडबैक भी अच्छा देता है, यूज करने में मजा आएगा। और ट्रैक पैड के साथ हमें कट मिलता है यहाँ पर, तो डिस्प्ले को अपलिफ्ट वगैरह करने में मतलब आसानी हो जाती है और काम करते वक्त जैसे हाथ रख के यूज करने में भी सही रहता है। बाकी कीबोर्ड भी इसका मेरे को सही लगा, टाइपिंग में भी करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तुम आराम से प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो या फिर टाइपिंग के कोई भी काम करते हो तो बढ़िया एकदम अच्छे से टेक्टाइल फीडबैक मिलेगा तुम्हें। और पर की आरजीबी वाला कीबोर्ड है, मतलब हर की के अंदर एक अलग आरजीबी घुसी हुई है। कस्टमाइजेशन बहुत सारी कर सकते हो, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है ओमन लाइट स्टूडियो के नाम से, तो उसके अंदर भाई नई नई लेयर बना के अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं इवन ऑडियो विजुअलाइजर के अंदर जा करके। तो इसमें क्या अगर तुम कोई गाना वाना बजाते हो ना लैपटॉप में तो उसके साथ सिंक हो जाएगी आरजीबी और एक बिल्कुल वैसा सा इफेक्ट देगा। तो जैसे गाना प्ले करें और एक इसमें एम्बिएंट मोड मिलता है, इसमें क्या है कि जैसे तुम एंटायर स्क्रीन या फिर कोई ऐप वगैरह की अगर तुम्हें झलक चाहिए ना कीबोर्ड में वो आ जाती है। जैसे अगर अभी डेस्कटॉप आ गया तो ये ब्लू कलर की हो जाएगी, और अगर जैसे कोई तुमने गाना वाना प्ले कर दिया तो उसके हिसाब से जो कलर्स आएंगे ना डिस्प्ले में उस हिसाब से इसका कलर अपने आप चेंज होता है। नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जब खुद यूज करोगे तो समझ जाओगे। बाकी फंक्शन कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट है और पावर बटन भी उसी के अंदर है, टच करोगे तो काम नहीं करेगा, प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि बटन दबाते ही पता लगे लैपटॉप बंद हो गया। बाकी ओमन गेमिंग हब का शॉर्टकट है और एक कैलकुलेटर का भी है, मतलब हिसाब खाते बनाओ। डन आती है अपनी डिस्प्ले। और इस लैपटॉप में 16.1 इंचेस की FHD 1080p रिजोल्यूशन वाली 300 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और कलर एक्यूरेसी इसमें 100% sRGB, तो कलर्स वगैरह की कोई कमी नहीं है, फुल एकदम क्या बोलूं समझ ही गए। बाकी मैंने जब इसको यूज किया ना तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी येलोइश सी टोन लगी इसकी डिस्प्ले की, पर मैंने डिस्प्ले कैलिब्रेशन के अंदर जाके इसको चेंज करके अपने हिसाब से सेट कर लिया। बाकी क्वालिटी वाइज डेफिनेटली बढ़िया है, कलर एक्यूरेसी वाले या कलर रीडिंग के जो तुम्हारे काम वाम होते वो सब इसमें चल जाएंगे, और अगर नॉर्मल कंटेंट कंजप्शन भी करते हो तो मस्त एकदम पंची कलर आएंगे, एंजॉय करो बढ़िया मस्त रंग बिरंगी चीजें। और 1080p का वेबकैम आता है इसमें प्राइवेसी शटर के साथ, तो जैसे इसका वेब कैमरा और 1080p के हिसाब से मुझे क्लियर तो लग रहा है, माइक भी इसी का यूज हो रहा है और एसी और पंखा चल रहा है, तो देख लो नॉइज कैंसिलेशन कैसा है और मजा आ रहा है। तो फिर मारो लाइक और सब्सक्राइब हमेशा की तरह यार, कितनी बार बोले। और स्पीकर हमें दो मिलते हैं नीचे इसके अंदर, शायद दो दो वॉट्स के हैं वैसे कहीं मेंशन नहीं था। और बैंग एंड उल्फसन के स्पीकर्स आते हैं, बहुत ही सही आवाज है भाई इसके स्पीकर्स की, लाउड भी है, हल्की फुल्की बेस भी आती है और क्लैरिटी तो मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें, लगेगा कि हाँ डेफिनेटली भाई बैंग एंड ओलफसन बिल्कुल एकदम मर्सिडीज एस क्लास भाई, उसी में आते हैं इसके स्पीकर। उस लेवल के नहीं है बट अच्छे खासे लेवल की फील होंगे तुम्हें, आवाज अच्छी है कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाने वाने सुन सकते हो। अब देखो गेमिंग लैपटॉप वैसे तो क्या ही उम्मीद करते हैं लोग बैटरी की, बट इसमें तुम कर सकते हो क्योंकि 83 वॉट आवर्स की बैटरी आती है। और अगर तुम IGP मोड पे लो ब्राइटनेस के साथ हल्के फुल्के काम करने में यूज करते हो इसे कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, तो मैंने जितना यूज किया मुझे 3 से 4 घंटे का बैकअप दे दिया इसने, मतलब तुम 4 घंटे तक 4.5 घंटे तक खींच सकते हो, यूसेज पे डिपेंड है कि तुम कैसे यूज करते हो। तो गेमिंग लैपटॉप है फिर भी इतना अच्छा बैकअप दे रहा है वो भी बहुत सही चीज है। तो परफॉर्मेंस के लिए मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, सिनेबेंच R23, गीकबेंच 6, क्रॉसमार्क, PC मार्क 10 और ग्राफिक्स क्वालिटी के लिए 3D मार्क टाइम्स पाए। तो जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता चल गए होंगे स्कोर्स देख के कि भाई कितने सही स्कोर दिए हैं इसने, बाकी अगर तुम्हें आइडिया नहीं है तो हम किस लिए बैठे हैं भाई हम बताएंगे। CPU के मामले में ये ऑलमोस्ट i7-13700H की जितनी परफॉर्मेंस देगा नो डाउट, और इसी सेम प्रोसेसर के साथ हमने टफ F15 रिव्यू किया था पहले, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो प्रैक्टिकली तुम स्टूडेंट रिलेटेड सारे काम कर सकते हो, पूछने की जरूरत वैसे है नहीं, मतलब सोचो ही मत, प्रोग्रामिंग, प्रेजेंटेशन, PPT बनाना, मतलब एक ही बात है, ब्राउजिंग नॉर्मल काम कुछ भी करो भाई सब हो जाएंगे बढ़िया एकदम नेक्स्ट लेवल तक। और प्रोडक्टिविटी में अगर तुम वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो मैंने वीडियो एडिटिंग टेस्ट किया था प्रीमियर प्रो में, 4K 60 तक मस्त हाई लेवल तक एडिटिंग हो जाएगी, बिल्कुल तुम्हारी स्मूथ फुटेज चलेगी, कोई लैग वैग नहीं फेस करना पड़ेगा। बट हाँ मैं यही कहूंगा कि पावर लगा के ही करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी ज्यादा स्मूथ लगेगा सब चीज। और फोटो एडिटिंग तो फोटोशॉप में किसी भी लेवल की आराम से हो जाएगी, बिना पावर के भी अच्छे खासे लेवल की हो जाती है उसमें। बाकी अब क्योंकि 8GB का ग्राफिक कार्ड ले रखा है इतना भारी, तो भाई ग्राफिक ओरिएंटेड भी तुम सारे काम कर सकते हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर आर्किटेक्चर वाले काम या फिर VFX, गेम डेवलपमेंट, सब आराम से अच्छे खासे लेवल तक हो जाएगा। अपना काम देख लेना किस लेवल तक करना है, और गेमिंग करना चाह रहे हो वो तो यार करनी है, तो कुछ गेम टेस्ट करें
वो भी देख लो। तुमने सारे गेम्स के अंदर परफॉर्मेंस मोड पे सेट रखा था और फैन स्पीड को मैंने मैक्स आउट कर रखा था। वैलोरेंट टेस्ट किया फुल हाई सेटिंग्स पर एंड FPS देख सकते हो तुम आराम से 350 प्लस जा रहे थे। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई नहीं गए, मतलब ये इसके थर्मल्स मुझे कंपैरेटिवली अच्छे लगे। बाकी CPU ओरिएंटेड गेम है तो ज्यादातर CPU ही यूज हो रहा था, तो परफॉर्मेंस वैलोरेंट में तो ऑब्वियसली तगड़ी आनी है भाई। देन CS को टेस्ट किया, ये भी हाई प्रीसेट पे था, इसमें भी हमें 300 प्लस FPS मिल रहे थे बहुत ही आराम से और CPU के टेम्परेचर ना 70 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। तो मतलब ये है कि अगर तुम फैन स्पीड फुल नहीं भी करोगे तो भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, थर्मल्स अच्छे हैं इसके भाई। और बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं तो देख लो। देन GTA 5 टेस्ट किया, वेरी हाई का प्रीसेट था, जितना भी मैक्स आउट कर सकते थे। तो इसके अंदर हमें 120-130 FPS मिल रहे थे बहुत ही आराम से, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है, और कभी कभी तो 150 भी टच हो रहे थे। टेम्परेचर अपने 82-83 डिग्री तक मेंटेन थे और GPU अच्छा खासा यूज हुआ भाई इसके अंदर, 80-85 वाट तक यूज हो रहा था आराम से। और 140 वाट TGP है लेकिन पूरा फुल यूज नहीं होता, वो लैपटॉप अपने हिसाब से मैनेज करता है क्योंकि थर्मल्स को भी मैनेज करने होते हैं। तो यू मत समझना कि पूरा यूज क्यों नहीं, पूरा यूज कभी भी नहीं होगा, पर परफॉर्मेंस अपने हिसाब से बढ़िया निकाल के दे रहा है। देन RDR2 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और क्योंकि ये ज्यादा तगड़ा GPU इंटेंसिव गेम है तो अपना GPU अपना आराम से 100 वाट तक खरीच रहा था और इतनी ज्यादा वोल्टेज लेने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया, 90 डिग्री तक टच हो रहे थे। बाकी रूम टेम्परेचर भी बढ़ गया था थोड़ा बहुत, तो उस पर भी डिपेंड करेगा ये सब। लेकिन भाई 80 प्लस FPS अल्ट्रा प्रीसेट पे बहुत ही ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस है, लाइक मतलब तुम गेमिंग में तो टेंशन ही मतलब, ओमन में तुम्हारी गेमिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी भाई। देन Far Cry 6 टेस्ट किया, ये भी अल्ट्रा प्रीसेट पे था और अल्ट्रा प्रीसेट पे इसके अंदर भी 80 प्लस FPS आ रहे थे, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज है। अब तो ये तो कंफर्म है कि तुम कितना भी हैवी टाइटल बहुत ही अच्छे FPS में इस वाले लैपटॉप में डेफिनेटली खेल सकते हो। बाकी स्टैट्स सारे तुम्हारे सामने, देखते रहो साथ साथ। और DLSS और रेट रेसिंग का तो फायदा है ही इसके साथ, तो वो भी अगर ऑन कर दोगे तो भी तुम्हारी तगड़ी परफॉर्मेंस में तगड़े FPS निकाल पाओगे। तो देखो यार सीधी सी बात है, अभी ये कुछ 1.27-28 लाख के आसपास चल रहा है। लेटेस्ट प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, वहां से देख लेना। सेम ऑलमोस्ट इसी प्राइस के आसपास मैंने टफ F15 रिव्यू किया था, उसमें था i7 13th generation 4050 और प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही था। तो बिल्कुल बिना किसी डाउट के मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपना ये HP Omen आ रहा है ना, ये उससे बेटर है, क्योंकि देखो इसमें ग्राफिक कार्ड अच्छा आ रहा है, 4070 है, और ऐसा भी नहीं है कि TGP का फुल फ्लेज्ड है। प्लस जो अपना CPU है वो भी ऑलमोस्ट उसी के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देता है। और एक प्रीडेटर रिव्यू किया था i7 के साथ, वो भी 4050 ही था लेकिन उसमें HX वाला प्रोसेसर था। तो CPU के मामले में और डिस्प्ले वगैरह के मामले में वो ज्यादा बेटर है इससे, बिल्ड क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, थर्मल तो ऑलमोस्ट सेम सही है। बट स्टिल भाई GPU की बात है, अगर ग्राफिक्स कार्ड का ज्यादा काम रहेगा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बिल्ड क्वालिटी में भी ऑलमोस्ट अच्छी तो इसकी मेरे को लगी ओवरऑल, एंड परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड वाली इसमें ज्यादा ही अच्छी मिलेगी। प्रोसेसर में वो अच्छा है बट ग्राफिक कार्ड में ये अच्छा है। तो अपने हिसाब से एक बार यूज देख लेना कि भाई तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, फिर जज कर लेना और उस हिसाब से लैपटॉप ले सकते हो। बाकी उनके वीडियोस भी देखने हो तो मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अगर ये वाला खरीदना हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो और लाइक भी मारो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, उसके बिना जाना नहीं है। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।